आज की इस वीडियो में आप देखेंगे डीरेंज्ड मूवी और ये मूवी एक पेंडेमिक के बारे में है। मूवी के स्टार्ट में जेहो को दिखाया जाता है, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है। घर पहुंचते ही वो अपने भाई को अपनी फैमिली के साथ देखता है, जिससे वो बहुत नाराज था क्योंकि जेहोक ने उसके मशवरे पर स्टॉक मार्केट में गलत कंपनी पर इन्वेस्ट कर दिया था और जेहोक की पूरी रकम कंपनी खत्म होने की वजह से वेस्ट हो गई। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बेटे को उसकी बर्थडे पर एंजॉय करवा सके। जब उसके बच्चे खाना खा रहे थे और ये खाना भी जेहो के भाई ने लाया था जिसका नाम जे पिल था, और पिल भी अपने आप को जेहो के नुकसान का जिम्मेदार ठहराता था, तो पिल अपने वाइफ के पास जाता है जो डॉक्टर थी। पिल खुद एक डिटेक्टिव ऑफिसर था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हॉस्पिटल से एक लोन अप्रूव करवाए जिनसे वो अपने भाई की जिंदगी ठीक कर सके। वो लड़की उस पर सोचने लगती है और वहां जाकर जेहोक से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तो इसने मुझसे लोन लेने के लिए भी कहा है। लेकिन जेहोक कुछ नहीं सुनता और इससे कहता है मेरा भाई पॉइजन की तरह है, जिसकी जिंदगी में आता है वो उस शख्स की जिंदगी को खत्म कर देता है। जेहोक उस लड़की से कहता है मैं भी तुमको मशवरा देता हूँ कि उससे बचो। अगले सुबह ये दिखाया जाता है कि एक आदमी सुबह लेक के करीब वॉक कर रहा था जहाँ वो अजीब चीजों को नोटिस करता है। उनके करीब जाने पर उसका पांव फिसल गया और वो दरिया में गिर जाता है। जब वो अपना रुख ऑपोजिट साइड पे करता है तो वो देखता है वहाँ एक डेड बॉडी थी और उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए उसने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ऑफिसर पिल वहां पहुंच जाता है। वो डेड बॉडी को अपने तहवील में लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। उस खातून की डेड बॉडी देखकर वो डॉक्टर कहता है वो बहुत ही स्ट्रेंज और डेंजरस बीमारी से मर गई है। फिर दिखाया गया कि ये बीमारी पेंडेमिक की तरह पूरे सिटी में फैल चुकी है। आने वाले इलाके में झील और नदियों में बहुत सी डेड बॉडीज थीं। टीवी पर भी ये न्यूज आ जाती है, लेकिन जेहोक अब भी बाहर जाना चाहता था क्योंकि अगर उसने अपने बॉस को कंपनी ना दी तो वो इसको नौकरी से निकाल सकता है। जेहोक का बॉस भी अजीब बिहेव कर रहा था। अचानक वो एक दरिया की तरफ जाता है और उसके करीब जाते ही सुसाइड कर लेता है। जेहोक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है और पुलिस अफसरान भी वहां पहुंच जाते हैं। अब इस वायरस का विक्टिम एक बाथटब में मिलता है। डॉक्टर्स की टीम वहां रिसर्च के लिए आती है। वो यहां इस पानी में चंद वॉर्म्स देखते हैं जिनके बारे में उनके पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये तमाम वॉर्म्स इस डेड बॉडी के गिर्द पानी में घूम रहे थे। फिर रिसर्च के बाद ये बात सामने आती है कि पानी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये वो वॉर्म्स हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने हॉर्स हेयर्स का नाम दिया था। वो वॉर्म्स इंसानों में बीमारी की तरह थे। वो इंसानी जिस्म में पैरासाइट्स की तरह रहते थे और इंसान होस्ट की तरह होते थे जो इन्हें खाना लिक्विड और शेल्टर देते हैं और इन्हें अंदर रखते हैं, यानी वो अपनी बॉडी में इन्हें रहने देते हैं। जब इंसानी बॉडी में बड़े होते हैं फिर इन्हें बाहर निकलने के लिए पानी वाले इलाके की जरूरत होती है। ये पैरासाइट्स बहुत ही डेंजरस थे, लिहाजा ये इंसानी ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं, तो लोग उसके लिए पानी की तरफ भागते हैं और वो पानी में गिरने के बाद मर जाते हैं। और ये इस बीमारी की लास्ट स्टेज है जब वो पैरासाइट्स बाहर निकलने के लिए पानी की जरूरत महसूस करते हैं। हुकूमत जल्द से जल्द सबको इस पेंडेमिक के बारे में इन्फॉर्म कर रही है और ये इस बीमारी की सिम्टम्स का भी ऐलान कर रहे थे। लोग इस बीमारी में बहुत ज्यादा प्यास और भूख महसूस करते थे। पैरासाइट्स वो खुराक ले रहे थे, इंसान नहीं। अब गवर्नमेंट पेशेंट्स को अलग करने के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहती है। गवर्नमेंट ये भी ऐलान करती है कि हर हॉस्पिटल ने कैंपिंग का इस्तेमाल
किया है। अगर किसी को ज्यादा प्यास और भूख लग रही है वो शख्स यकीनन मेडिकल कैंप में भी जा सकता है जो आज का झील या दरिया पर गया हो। यहाँ जेओक अपने घर से बाहर गया था, वो भी फौरी तौर पर अपने घर लौट आता है और इसकी वाइफ बताती है कि उन्होंने एक दिन पहले ही लेक का विजिट किया था। जेओक की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा भूख और प्यास महसूस करती है। ये चीज इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसकी पूरी फैमिली इस बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। फिर हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत ज्यादा रश था। लोग टूट फूट का सबब बन रहे थे क्योंकि हर एक को अपने और अपनी फैमिली के लिए अदवियात की जरूरत थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की पूरी टीम और हुकूमत एंटी पैरासाइट दवाई जो कि सीटोर है वो तजवीज करती है, ऐसी दवा जो पेट के बैक्टीरिया को मार देती है। अब वो ये एक्सपेरिमेंट एक पेशेंट पर करते हैं लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। बिल की वाइफ उसे बताती है कि उसके भाई की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो चुकी है। शहर भर में हर तरफ डेड बॉडीज थी और इन डेड बॉडीज को उठाने वाले लोग बहुत कम थे। फिर एक पेशेंट वहाँ कहता है कि उसने विंडाजोल के नाम से दवा ली है जिसके जरिए वो बिल्कुल ठीक हो गया है। इसका मतलब है कि वो ये प्रूफ दे रहा था कि इस बीमारी के इलाज की दवाई मौजूद है और ये विंडाजोल है। अब तमाम लोग दवाखानों से विंडाजोल लेने के लिए चले जाते हैं और उस दवाई का पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। अब गवर्नमेंट विंडाजोल की कंपनी के साथ बात करती है और उनसे कहती है कि इसकी दवाई मजीद तैयार की जाए लेकिन वो इसे किसी वजह से तैयार करने से इनकार कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि वो मेडिसिन बनाने का नुस्खा हमें दे दें जिसके जरिए वो खुद दवाई तैयार करवा सकें, लेकिन कंपनी ओनर उसके लिए भी मना कर देते हैं। पिल कंपनी के एक आदमी से मिलता है जिसको टॉर्चर करने के बाद पिल को एक हकीकत का पता चलता है और वो आदमी बताता है कि हमारी कंपनी 5 साल पहले रिसर्च कर रही थी। जैसा कि अब मालूम है कि पैरासाइट्स बहुत खतरनाक हैं, हमारी कंपनी के रिसर्चर को 5 साल पहले ही पता चल गया था। वो आदमी ये भी बताता है कि ये पैरासाइट्स माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी कंपनी ऐसी दवाई बनाने जा रही थी जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकती थी। फिर एक और कंपनी ने हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, लिहाजा हमें ये रिसर्च रोकना पड़ी। फिर तमाम रिसर्चर्स ने प्लान बनाया कि वो विंडाजोल लेबल वाली दवाई तैयार करेंगे और वो पैरासाइट्स को झील में छोड़ देंगे। फिर बहुत से लोग इन्फेक्टेड होंगे, फिर वो मार्केट से विंडाजोल को हटा लेंगे। जब वो अचानक मार्केट में विंडाजोल लाएंगे फिर मार्केट के शेयर बढ़ जाएंगे। इस तरह इनकी कंपनी एक बार फिर चलने लगेगी। आप पिल को अपने भाई के खानदान को बचाने के लिए और उनका गुस्सा दूर करने के लिए सोल्यूशन मिल गया था तो वो इस आदमी से विंडाजोल के स्टॉक के बारे में पूछता है ताकि ये दवाई लेने के बाद उसकी फैमिली ठीक हो सके। वो शख्स लोकेशन तो बता देता है लेकिन विंडाजोल लेने से पहले कोई आदमी स्टॉक को आग लगा देता है। अब जे पिल की हालत यहाँ खराब हो गई थी क्योंकि उसकी आरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। कंपनी के सीईओ स्टॉक जलाने की वजह से कंपनी हुकूमत को महंगे दामों पर फरोख कर देते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बात पर भी एग्री कर जाता है क्योंकि पैसा इनके लिए ज्यादा अहम नहीं था, इंसानी जानें ज्यादा अहम थी। चुनाचे वो इस कंपनी को खरीदने के बाद विंडाजोल तैयार करना चाहते थे। यहाँ ये दिखाया जाता है कि जेहो की वाइफ उसे यहाँ बुलाती है। उन्हें वहाँ अलग थलग रखा गया था और इन्हें पानी और खाना नहीं दिया जा रहा था। अगर वो खाना या पानी लेते तो इनके पेट के पैरासाइट्स बहुत बढ़ जाते। जेहो की वाइफ जेहो को कॉल करके कहती है कि प्लीज जल्दी दवा ले आओ वरना हम लोग मर जाएंगे। फिर पता चलता है कि आदमी जिसने बताया था कि विंडाजोल लेने के बाद वो ठीक हुआ है वो इस खेल का मास्टरमाइंड था और तमाम रिसर्चर्स यहाँ से चले गए थे। वो सिर्फ इस जगह की हालत देखने के लिए रुक गया था। पिल इस हकीकत के बारे में जानता है इसलिए ये खबर हुकूमत तक भी पहुँच जाती है। अब उनका सारा मंसूबा दरहम बरहम हो जाता है और हुकूमती हकाम हकीकत जानने के बाद इस कंपनी के सीईओ को पकड़ लेते हैं और वो अदवियात का फार्मूला लेने के बाद तमाम दवासाज कंपनियों के हवाले कर देते हैं और गवर्नमेंट विंडाजोल बनाने के लिए कहती है। वो कंपनियां बताती हैं इस दवाई को बनाने के लिए 1 हफ्ते की कोशिश दरकार होगी लेकिन इस दौरान कई इंसानी जानों को खतरा हो सकता है। जे पिल फिर सोचता है अगर विंडाजोल दस्तियाब नहीं
तो क्या हुआ, उसका स्टॉक तो मौजूद है, तो फिर वो स्टॉक लेने चला जाता है ताकि इससे वो अपनी फैमिली को बचा सके। और पूरे मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगते हैं। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि जे होक अपने पूरी फैमिली के साथ था। वो लोग खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर वो अपने घर वालों से कहता है, हमें छुट्टियां गुजारने कहीं और जाना चाहिए। फिर उसकी वाइफ उससे पूछती है, क्या पूरी दुनिया में ऐसी हालत नहीं है जिसका हमारे मुल्क को सामना करना पड़ा हो। लेकिन फिर पता चलता है कि न्यूयॉर्क में एक डेड बॉडी थी और ये डेड बॉडी उसी तरह थी जैसे कोरिया में दिखाई गई थी। ये वायरस वहां भी फैल गया था या फिर कोरिया से भेजा गया था, वहाँ भी ये वबा शुरू हो जाती है। फिर इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मजीद अच्छी मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।